Are you a part of हैं। अगर <laughs> आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूं जो कि बहुत ही सीक्रेट है तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है We don't know. और जे ऐसे इजी पता चल जाए तो कटेदी सीक्रेट सोसाइटी हो जाती मतलब जिनकी बात ही सीक्रेट नहीं रही वो कटेदी सोसाइटी है होगा बीवर होगा ड्रेक साढ़ा तो है ही बीवर है ही ड्रेक यहाँ तक पहुंचे कैसे हाँ नो ब्रो शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में मैं रोज़ काम कर रहा था रोज़ फिल्म में कर रहा था गाने कर रहा था फिल्म में कर रहा था और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था जैसे ही ट्वेंटी ट्वेंटी आया बैठ क्या था तो बिल्कुल फिट फॉर जबरदस्त तो शानदार सिंह गुजारेंगे तो आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं और जो है दलजीत सिंह का और ये अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे कि इनकी लाइफ किस तरह की गुजरी और इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या सीखा इसके बारे में आज की हमारी वीडियो है उम्मीद करते हैं कि आपको काफी पसंद आएगी अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने नजरिया से लाजमी कहा कीजिएगा करते हैं स्टार्ट <laughs> क्या मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ

दोस्तों एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है एक हाईली रिक्वेस्टेड गेस्ट के साथ गेस्ट का नाम है दिलजीत दोसांझ बहुत सारी बातें करी है काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन करी है इनके साथ ऑफ़ कोर्स बहुत सारे मज़े भी किए तो प्लीज़ एंजॉय करो बहुत प्यारा एपिसोड है ऑफ टी आर एस बहुत गहरी कनेक्शन बैठ गई ऑल आई वॉन्ट टू से मेक्स यू गो वॉच ऑन नेटफ्लिक्स आफ्टर यू सीन दिस एपिक एपिसोड ऑफ टी आर एस होगा बीवर होगा ड्रेक तो यू गल करनी बह के अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है बहुत जी तुम सुनाओ आपके सामने बैठकर बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को बहुत अच्छा लगा जी पहले आप बताइए आप कैसे हो मैं बहुत जी बहुत शुक्र है हमारा इधर ट्राई कर रहे हैं एक चंगा इंसान बन दी बस यही है बस क्या कुछ बदलता है वक्त के साथ इंसान का कैरेक्टर बदलता वो भी आपके हाथ में नहीं है मैंने बहुत पहुँचे पहुँचे हुए लोगों को बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ करते देखा है जो कि कई बार वो आम इंसान शायद उतना पहुँचा हुआ नहीं हो वो नहीं करता हुआ ऐसी गलती तो आप कहीं भी पहुँच जाओ जब तक आप इस बॉडी में हो तो आप कहीं भी कोई भी एक तुच्छ सी गलती भी कर सकते हो वो एक आ, क्या बोलते हैं उसको वो वैक्यूम है अभी भी अंदर कि आप कहीं भी कोई भी गलती कर सकते हो आप कहीं भी पहुंचे हुए हो और मैंने देखा है बड़े बड़े कुछ लोग ही हैं जो निन्नवे के ऊपर गए हैं बाकी तो फिर सांप डस लेता है कहीं को फिर जीरो स्नेक्स एंड <अन> लैडर्स <लाड़ोस। laughs> बड़ी कमाल की गेम बनाई है mm -hmm. कई बार मैं गेम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप है जितना लोगों को शायद हमें बचपन बच, में खेलते हुए एहसास नहीं हुआ या लोगों को एहसास नहीं होता लेकिन बड़ी डीप बातें हैं इनमें एक गलती कर दी तो आप स्लिप हो जाओगे सीधा जीरो पे बेशक आप नड़िन्नवे पे पहुंचे हुए हो और एक ही कदम है कि आप पार हो जाओगे फिर भी एक गलती आपको जीरो पे ला सकती है रियल लाइफ में असली ज़िंदगी में होती क्या है लैडर्स क्या होते हैं अपॉर्चुनिटी कई बार मतलब आप डिजर्व भी करते हैं लेकिन आपको वो चीज़ अभी मिल नहीं रही होती कई बार जैसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ें डिजर्व नहीं करता मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ कि यार ना तो मैं इतना अच्छा गायक हूँ ना मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल में कभी मैं गया बहुत अच्छे गायक हैं जो बिल्कुल परफेक्ट सुर लगाते हैं परफेक्ट सुर लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और पहले तो चलो प्रैक्टिस थी बहुत और म्यूज़िक मेरे को लगता है कि बहुत प्योर है म्यूज़िक सबसे प्योर फॉर्म है और जो लोग म्यूज़िक में हैं वो ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं बेशक आप म्यूज़िक को इन्जॉय करते हैं बेशक आप म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी में है चलो हर चीज़ में म्यूज़िक है लेकिन जब राग में म्यूज़िक बनता है तो वो बहुत 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 कमाल होता है और जो लोग उसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं जो म्यूज़िक कर hmm. रहे हैं तो मेरे को लगता है कि मैं उतना अच्छा म्यूज़िशन भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे मौके मिल जाते हैं मैं उतना अच्छा मैंने कभी कोई एक्टिंग नहीं सीखी कहीं जाके फिर भी मैं इम्तियाज़ अल, अली के साथ फिल्म कर रहा हूँ बहुत मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ फिल्म करूँगा ये शायद चमकीले की वजह से हुआ चमकीले ने मौका दिया नहीं तो इम्तियाज अली का दिलजीत को लेना कोई को, को जरूरी थोड़ी है बहुत सारे और ऑप्शंस पड़े हैं उनके पास आई पार्ट ऑफ भाई इसके इसके तो मेरे को एलुमे पर लिखने ना तो अंग्रेजी के स्पेलिंग भी मेरे पूरे ना हो वॉट इज एलिन वो जो था वो क्राउन चक्र और थर्ड आई की बात थी वो एलुमिन की बात है। जी अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो बहुत ही सीक्रेट है तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है <laughs> क्या मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का वो यार मैं भी पार्ट हो सकता Allah. हूं मतलब मेरे को तो इलुबनाती लिखना ना आए अगर स्पेलिंग आए तो मेरे स्पेलिंग भी थोड़े जाएंगे मतलब hmm. थोड़े जाएंगे मतलब नहीं आएंगे मेरे को मुझे नहीं पता क्या मैं वो जो फ्लो था वो क्राउन चक्रा और थर्ड आई का फ्लो था वो एलुमनाती का फ्लो नहीं था हंड म्यूजिक अच्छा जब विलू बनाते हमें पता नहीं खबरें साढे सड़े चंगे हो माड़े हो हमें क्या पता क्या है वो अगर कोई है भी कि नहीं है है ना जी तो वी डोंट नो और ज, जे ऐसे इजी पता चल जाए तो कट्टे दी सीक्रेट सोसाइटी हो जाए मतलब जिनकी बात ही सीक्रेट नहीं रही वो कट्टे दी सोसाइटी है आरे? आपको लगता है कि एक रब है और एक शैतान है मानता तो हूँ कि कुछ एविल, एविल तो रहता दुनिया में एक, एक ही है दो दो हो ही नहीं सकते भाई, दो नहीं हो सकते हैं। मैं एक ओंकार को मानता हूं मतलब एक है मतलब एक ओंकार ही है भाजी। जी जी जी। बस उसके ऊपर नहीं है कुछ उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है नहीं पर आप और और सेकंड टीम खड़ी मत करो है भी नहीं कोई कोई सेकंड टीम नहीं है एक ही है उसी के रूप है वो जैसे आप भी उसी का रूप हो मैं भी उसी का रूप हूँ हम सब उसी उसी के पसारे हैं ऐसे एक ही है ऐसे नहीं है क्योंकि डेबल की पार्टी अलग है और भगवान की पार्टी अलग है फिर तो डेबल वाली पार्टी ज़्यादा बेटर है मैं बड़ी स्ट्रांग है अगर ऐसा ये, देखा ये ये जाए तो डेबल पार्टी बड़ी स्ट्रोंग पार्टी है।, है तो आपको लगता है कि मतलब एक से दो मेरे मेरा मानना है कि एक है दो नहीं है कुछ अला के बैक स्टेज में भी ऐसी बातें होती हैं नो जी ना <laughs> <laughs> क्या थे, 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 कुछ गया <laughs> बड़ी प्यारी बात है मतलब वो तो हमारे ही बंदे थे सारे मतलब तो भंगड़ा डांसर्स और हम सब वो तो एंजॉय कर रहे थे दूसरे आर्टिस्ट से मिले हाँ मिले काफी लोगों से क्या बात होती है इ, इंडिया के बारे में पूछता हाँ इंडिया बारे में पूछा क्या पूछता उस, आ, सब आना चाहते हैं मैं जितने आर्टिस्टों भी मिलता हूँ सब आना चाहते हैं इंडिया खुद का पॉडकास्ट स्टार्ट करना है

ठीक है भगवान की मर्जी थी वो मर्जी थी वो पर कैसा लगा बहुत अच्छा लगा मेरे को पता था ये चीज़ तो बहुत बड़ी है और पहली बार हो रही है किसी इंडिया से कोई बंदा जा रहा है पहली बार तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी हंड्रेड परसेंट मैं तो जोर मैं पूरी ला देंगे जा ना ड्रीम थी ये पहले से ड्रीम नहीं पर एक चेकलिस्ट तो थी कि ये भी करना है जैसे और भी बहुत सारी चेकलिस्ट है जित, मतलब जब तक पता नहीं कालू पटाखा पेज अभी पटाखा पैज पता तो है नहीं कब नहीं। कब हो जाना पूरे पर लगता है मेरे को मैं चरास एटी से पहले तो नहीं मरूंगा जब तक एटी का नहीं हो जाता मेरा बर्थ भी एटी का ही है तो जितने भी ड्रामे हैं लाइफ में ये सारे एक बार सब सारी गेम खेल के तो जानी है जितने भी राइड्स हैं भाजी हर पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ मेरे गेस्ट के अच्छा ही पर वहां जो बातें गेस्ट ने करी है उन बातों को भी सुनता हूँ पर जहां गेस्ट ने थोड़ा सा गैप लिया है वो जो स्पेसेस होते हैं वहां ज्यादा पता चलता है किसी के कैरेक्टर के बारे में मैं मान। बहुत बंदे सही हो आप अपने प्रोफेशन में <laughs> भी इत, इतने सारे कर लिए <laughs> तो गुड़, गुड़, खुद के गुड़, 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 गुड़। पर आप बहुत ज्यादा डीप हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन और मेरे ख्याल से जो सक्सेस आपको मिला है ना एक्चुअली वो डेप्थ की वजह से मिला है क्योंकि एक आर्टिस्ट की अबिलिटी आर्टिस्ट का टैलेंट उसके डेप्थ पर डिपेंडेंट होता है ये मेरा मानना है अच्छा आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगा कि बचपन में क्या हुआ था आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में एक तो आ, मैं कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से मतलब शिफ्ट हो गया मतलब अकेला हो गया मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गाँव से कौन से शहर लुधियाना अपने गाँव से तो तब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ मुझे लगा मेरे को पूछे नहीं किसी ने तू तो जाएगा कि नहीं जाएगा और हालांकि मेरे मामा जी ने पूछा भी इससे पूछ लो जो जाएगा तो इन्हों की पूछना ले जाओ ले जाओ मैं क्या यार हद हो गई थोड़ा पूछे नहीं किसी ने उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा कि हमारा बेटा गाँव से शहर जाएगा कुछ सीखेगा और काम करेगा हर पेरेंट का यही होता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए अब वो कामयाबी वो वो किस चीज़ को समझते हैं वो एक अलग पूरा मेथड है कि वो क्या समझ रहे हैं कामयाबी को वो उनकी लाइफ वैसे ही उनकी स्कूलिंग वैसे ही हुई तो उनको कामयाबी सिर्फ वही दिख दिखती है आपके लिए क्या चाहते थे कि हमारा बच्चा कामयाब हो कमाए तो उन्होंने इस कारण भेजा मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा और जैसे मुझे दिवाली बहुत पसंद है और थी है दोनों कह लो होली बहुत पसंद थी है ये भी कह लो एक साथ तो मैं बहुत इंजॉय करता था जब गाँव में जब मैं शहर गया तो मैं अकेला वहाँ रहता था ऊपर एक कमरा था छोटा था ना टीवी ना कोई कोई कुछ नहीं मैं स्कूल जाता था वापस आ जाता था और मेरे पास बहुत टाइम था और मैं सु... और ऐसे भी नहीं मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे कि आप रोज़ फ़ोन करो और ये भी होता था कि यार गाँव फ़ोन किया है मतलब पैसे लगेंगे या गाँव से भी फ़ोन आएगा तो पैसे लगेंगे तो ये भी सोचता था मैं तो फ़ोन भी नहीं करता था ज़्यादा तो दस ग्यारह साल में ही मेरा कनेक्शन टूट गया फैमिली से मैं अपनी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मॉम की बहुत, बहुत हमारे फैमिली में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरे डैड इतने प्यारे उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ क्या करता हूँ उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लाइफ में उन्होंने बोला था कि घर मिलेगा खाने को रोटी मिलेगी बाकी तेरा अपनी लाइफ है तो मेरे लिए वो संत हैं जितनी प्यारी उनकी सोल है लेकिन मेरा कनेक्शन टूट गया सिर्फ फैमिली से नहीं सबसे सबसे ही टूट गया दुनिया से सब से ही टूट गया।, गया मेरा कनेक्शन किसी से नहीं रहा उस उस ग्यारह साल के टाइम से फिर क्या हुआ बस फिर थोड़े सामने <laughs> 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 पढ़ाई में कैसा था ठीक है बढ़िया सी बैड नहीं सी मैथ में थोड़ा वीक था ऑब्वियसली अंग्रेजी वीक सोन भी वीक है पंजाबी गैट सी

मतलब दिमाग में क्या बदला पंजाबी की वजह से आपको क्या लगता है ये जो भाषा है ये इंसान ने बनाई है ये जो मैथ है ये इंसान बना इंसान ने नहीं. बनाया है नहीं. नहीं ये सिर्फ डाउनलोड हुआ है कोई भाषा बना नहीं सकता कोई मैथ बना नहीं सकता ये सिर्फ डाउनलोड किया जाता है और जो भी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं वो आप, आपके लिए हो रही हैं जो जो आपको जैसे जैसे डेवलप करना है वैसे वैसे हो रही हैं तो शुक्र है मैं पंजाब से जन्म लिया शुक्र है मैं पंजाबी सीखी और म्यूज़िक मेरी लाइफ में आया मैथ्स मैं कमज़ोर सी मेरे मैं भी गप मारी जाऊँ मैं मैथ में कमज़ोर था आज भी कमज़ोर हूँ आज भी मेरे को नहीं पता कैसे टैक्स भरते हैं क्या हो रहा है ये ये सब चीज़ें मेरे को तो चक्कर आता है इन बातों से तो फिजिक्स अच्छा लगता है वही कौन है फिजिक्स अभी ये कौन हूँ क्योंकि मतलब आप वो यूनिवर्स वाले टाइप के हो ऐसा लगता है मैं भी, भी मैं भी ऐसा मेरे, मेरे को लगता है कि आपके अंदर सारा कुछ है आप आंखें बंद कर लोगे सारा कुछ ही है सच में आप आंखें बंद करोगे आपको यूनिवर्स सुनेगा आप एक बार बंद तो करके देखो सच्ची सुनता है हंड्रेड एंड वन परसेंट आपका दिल कभी टूटा नो जी कभी मेरा दिल नहीं टूटा कभी नहीं नो नो जी दिल साढ़ा को तोड़ साधा नो नो आपका दिल टूटा है हाँ अच्छा नहीं इतनी बार आज के टाइप बंधा हुआ है हाँ हाँ हाय हाय

हर एल्बम पे हर फिल्म पे आप जज किए जाते हो ऐसे थोड़ी कि आपकी जॉब लग गई तो लग गई अभी ये तो नहीं जाएगी इसके आगे जाओगे आप नहीं अठारह साल में तो मेरी एल्बम आ गई थी मैं तब तो शादियों के शो कर रहा था मैं हाँ मेरी टीन एज पता नहीं आई नहीं फिर इतनी बच्चे निकल निकल गई तो मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ नहीं भाई सच में बता रहा हूँ मतलब भगवान की कृपा है पर मेरे को पता है मेरा जितना मेरे में क्षमता है लिमिटेशन बंदे को पता होनी चाहिए अपनी क्या आपकी लिमिटेशन बहुत थोड़ा ही है शुक्र है और मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी है मैं तो ज़ीरो ही हो जाना चाहता हूँ जितना ज़ीरो हो जाऊँ उतना अच्छा है अच्छा है मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कलाकार नहीं हूँ वो भी कैरी करना बड़ा मुश्किल है उस चीज़ को कैरी करना मुश्किल है फिर आप में आ जाता है कि अच्छा मैं अच्छा हूँ इस चीज़ में शुक्र है भगवान का बहुत शुक्र है ओके रहमान सर आए थे शो पर उन्होंने भी बेसिकली यही कहा जो आप कह रहे हो कि मैंने उनसे पूछा कि ऐसे गाने आपको सुनाई कैसे देते मतलब क्योंकि गाने बनाने से बल्ले पहले दिमाग में सुनाई देते हैं तो उन्हें कहा कि एक आ, बेगर भिखारी टाइप मेंटेलिटी होनी चाहिए कि ये मेरी बोल है और बोल खाली है आए, हाए, हाए, तो उस खाली है। बोल में ऊपर वाला देते रहता। में आएगा भाई आप, आप रिसीव कैसे करोगे ये सच बात है यही आप कह रहे हो ना सच बात है रिसीव आप कैसे करोगे okay. भरा हुआ नहीं रिसीव कर पाएगा आप सबसे ज्यादा अब फिल्मों को एंजॉय कर रहे हो या म्यूजिक को म्यूजिक म्यूजिक को शुरू से फिल्में तो बाई चांस ही होगी भाई ये मेरा कोई ये मेरा मेरा करियर नहीं था फिल्म में तो चांस ही हो गई अब डीप फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ नौ मैं जा... कोई कोशिश नहीं कर रहा जेडी फिल्म आ रही है साल <laughs> जो फिल्म आती है उसमें से एक फिल्म कर लेते हैं साल में से बाकी म्यूजिक आ, जैसे मतलब रहमान सर के म्यूजिक की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आया ये मेहमान तो so, ये उनकी खासियत है वेरी गुड और जो टॉप म्यूजिशंस होते हैं आई फील कि सारों की खासियत यही होती है कि उनकी आवाज़ उनके ट्यून्स की वजह से लोगों के दिल में बदलाव आ जाता है तो ये हो गया एक म्यूजिशियन का पर्पज़ उसी तरह फिल्म का पर्पज़ क्या होता है मेरे को तो मेरा पर्पज़ नहीं पता भाई ये क्यों हो रहा है ये सब मैं क्यों सिंगर हूँ और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ मेरा खुद का पर्पज़ मुझे नहीं पता है सोचा है इसके बारे में नहीं जी मैं मुझे पता चल गया कि इसके बारे में पता नहीं चल सकता यहाँ तक पहुँचे कैसे हाँ अनुभ्रो मुझे लगता है <laughs> ये मे बी अगर शायद ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं आता तो शायद मैं नहीं वैक्यूम नहीं और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था मैं अपने प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था जैसे ही 2020 आया, ही अलग इंसान मैं वो हूं नहीं भाई पर हुआ क्या बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है <laughs> इसलिए नहीं मतलब कुछ चीजें प्राइवेट होनी चाहिए वो मतलब जो मैं सोचता था बिल्कुल उसके उल्ट हो गया काम कुछ दिखा आपको मतलब मैं तब से नशे में हूँ ब्रो एक सेकंड मैं नशे से बाहर नहीं हूँ एक सेकंड के लिए मैं नशे से बाहर नहीं हूँ मैं ये बता रहा हूँ मतलब कितना कोई नशा कर सकता है किसी चीज़ का भांग का या किसी और मैंने कभी कोई नशा नहीं किया मैंने ड्रिंक नहीं किया स्मोक नहीं किया मैं कभी कोई नशा नहीं लाइफ में किया mm. लेकिन ऐसा नशा हुआ है वो एक सेकेंड के लिए नहीं भी जा रहा और जितना मुझे लगता है कोई नशा शायद फील कर सकता है मैं राइट right नाउ फील कर रहा हूँ वो मैं बहुत कंट्रोल में हूँ मैं अब मेरे को लगा था अब फिल्में गई गाने गए सब गया मेरा मतलब मतलब मुझे लगा था ये क्या हुआ मेरे साथ मतलब इंटरेस्ट गया उससे मेरे को ऐसा लगा कि अब गया सारा कुछ अब भाई तू टेक हो गया अब तू कुछ कर नहीं पाएगा अब जो है यही है लेकिन दो महीने लगे मुझे सेटल होने में और फिर मुझे लगा नहीं मैं काम तो कर सकता हूं और मैं ऐसे नॉर्मल बिहेव कर सकता हूं मैंने सरप्रीत सिंह पा से बात करी थी तो बहुत कुछ सीखा उनसे और कुछ कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जो मेरे साथ रह जाता है फिर मैं सोचता हूँ उनके बारे में तो उन्होंने कहा कि जब हम टेन सिख गुरुज के बारे में बात कर रहे हैं एक कॉमन थी जो एक ज्योत थी यानी कि सारों के अंदर एक एक एनर्जी ट्रांसफ़र तो हुआ तो उस जोत के बारे में मैं बहुत सोच रहा हूँ आजकल मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से मैंने कहानियाँ तो सुनी है और तब भी इंस्पिरेशन फील होती थी पर जब आप एज थर्टी तक पहुंच जाते हो जब जहां मैं एक अलग नजरिए से आप देखते हो इन चीजों को क्योंकि एक अडल्टस्पेक्टिव से समझ समझ आती है चीजें तो मुझे पता नहीं क्यों पर मैं बहुत ज्यादा सोचा गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में मुझे पता नहीं क्यों तो जो भी मेरे एक्चुअल सिख फ्रेंड्स हैं जो पंजाब में पले बड़े फील कि उनका गुरु गोबिंद सिंह जी को देखने का नजरिया हल्के से अलग होगा लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उस पर्सपेक्टिव से पूछा चाहूंगा कि एक पहले तो मैं चाहता हूं कि हर भारतीय को उनकी कहानी तो एटलीस्ट जाननी चाहिए जो लोग अब तक जानते हैं पर नहीं भी जानते इसलिए वो वाला पॉडकास्ट बना पर एक ह्यूमन लेवल पर क्या जानना चाहिए मतलब आपने आप मुझे कुछ सिखाओ तो बहुत बड़ी त्याग की भावना है भाई मतलब जब अपने और पराये में भेद खत्म हो जाए वो बात है वो है रब का गुण जब सब अपने लगते हैं जब आप किसी के लिए अपना शीस कुर्बान कर दें वो है रब रब का गुण तो रब ही है वो अपने अपनी पूरी फैमिली आप निशावर कर दें तो वो है रब का गुण ये आम बंदे में है ये बात नहीं है इसीलिए रब है वो तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मतलब ऑब्वियसली एस जी पी सी इस पर मतलब काम कर रहे हैं ऑलरेडी मतलब वो उनको और जो वो काम करते हैं वो अथॉरिटी है वो कह सकते हैं चीज़ें बता सकते हैं लोगों को मैं तो जैसे पूर्ण सिख भी नहीं हूँ तो मैं मेरे को इसलिए लगता है कि यार मैं इस बात पे कम बात करूँ तो लेकिन मतलब ये आ, आपने जो पॉडकास्ट किया बहुत अच्छा मतलब बहुत लोगों को पता चलना चाहिए हंड्रेड पता चलना चाहिए और मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है कि हम होते कौन है मतलब जो उस चीज़ को पता कराएँ वो ये इतनी बड़ी बात है जब मर्जी है उसकी तो वो किसके अंदर कब लाइट हो जानी है वो उसने कर देनी अगर भगवान चाहे तो ऐसे सबकी लाइट ना ऑन हो जाए गुरु गोबिंद सिंह जी की जो लाइफ है उन्होंने पूरी की पूरी अपनी फैमिली कुर्बान कर दी उनके उनके फादर गुरु तेग बहादुर जी वो उन्होंने अपना सीस तक दे दिया और जो उनका सीस लेके आए थे भाई जैता जी उनकी लाइफ भी बहुत कमाल की जर्नी है आप उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ें भाई जैता जी तो ये जो गुण हैं ये हैं सारे रब के गुण त्याग दिन बहुत बड़ी बात है भाई मतलब अपना आप कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है अपना परिवार कुर्बान कर देना ये बहुत बड़ी बात है इसलिए वो हमारे गुरु हैं इसलिए वो हमारे रब हैं आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आई थिंक ये आपकी ट्वेंटी की बात कर तब आपने कुछ कहा कि जैसे आपका करियर स्टार्ट हुआ था एक गाना निकला था और दो साल बाद उस गाने को लेकर कोई कंट्रोवर्सी हो गई थी फिर लोगों ने आपका नाम खराब करने की कोशिश करी चलो होता ही ऐसा सब मेरा गिला नहीं है किसी के साथ आपने तब उसके साथ डील कैसे किया तब तो मेरे को लग रहा था ऐसा क्यों हो रहा है तो लेकिन ये प्रोसेस ऐसा ही है यही तरीका है और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आप 고, आपको आपको हर्ट करना चाहते हैं या आपको खराब करना चाहते हैं या आपका करियर खराब करना चाहते हैं नहीं ये आपका टेस्ट हो रहा है ये ऐसा होगा ही होगा ये वो वो उनका उन उनका कसूर नहीं है ये उनको काम दिया गया है सिर्फ आपका टेस्ट टेस्ट आपका हो रहा है कि आप किस जगह पे खड़े हो आपकी रिएक्शन क्या होगी आपका रिएक्शन तो? वो मैटर करेगा तब तक आपका रिएक्शन होगा तब जब तक आप समझोगे कि मैं कुछ हूँ जब मैं कुछ नहीं हूँ तो जो कोई टेंशन नहीं कई बार तो पता चलता है अच्छा तू तो खेल खेल रहा है मेरे साथ <laughs> तो ये आपका टेस्ट है उनका कसूर नहीं है वो कोई भी हो सकते हैं ए बी सी डी कोई भी हो सकते हैं वो आप उनको पर्सन जज ना करें किसी भी टाइम पे किसी की अभी ड्यूटी लग सकती है कि इस इसके रिएक्शन के लिए चलते रहिए बारी है। और आ, आपके थ्रू भी किसी का रिएक्शन लिया जा सकता है इस गेम में जो हुआ पहले हाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके क्या पता चला संसार के बारे में मैं मानता हूँ कि अगर किसी को लाइफ में इतनी ज़्यादा शोहरत मिली है कि सोल में कुछ तो स्पेशल होता है नहीं मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी स्पेशल सोल्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता आपके थ्रू बस कुछ काम हो रहा है जो होना है अगर दुनिया को इंटरटेन होना है आपके थ्रू तो बस आप इतना ही हो रहा है सारे स्पेशल हैं निरपौ निर्वैर और ना कोई नजदीक है ना कोई दूर है और सभी उसी के ही रूप है हम सब उसी के ही रूप हैं उसके बिना कुछ नहीं है सारे स्पेशल हैं गुरु गोविंद सिंह जी की एक यही स्पेशलिटी थी उन्होंने सबको सिंह बनाया सारे स्पेशल हैं एक साथ बैठ के सब खाना खाएंगे कोई राजा नहीं कोई रंक नहीं सबको एक समान दर्जा होना चाहिए हालांकि ये फॉलो नहीं होता है लेकिन उनका तो यही था मोटो तो यही था सारा स्पेशल है सारे स्पेशल सोल है अगर किसी की ड्यूटी ग्लैमर में नहीं लगी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल नहीं है ऐसा नहीं है मैं ऐसा मानता हूँ मैंने आज उड़ता पंजाब से आपको और गहराई से जाना अच्छा जी हाँ जी तब उस... आपके बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे थे उस फेज में अच्छा आप, आपको एज अ पर्सन जाना नाम सुना था बट अच्छा बींग जाना अच्छा हिंदी में आप ज्यादा बात कर रहे थे तब अच्छा उस फेज में पहले अकॉर्डिंग टू मी जब आप दो तीन महीने यहाँ रह जाओ ना फिर आप हिंदी स्टार्ट कर देते हो अगर आप नहीं यहाँ फिर दोस्त तो सारे पंजाबी हैं फिर पंजाबी चलती रहती है फिर रूटीन च पंजाबी बोलता बंदा पर अदरवाइज आप दो तीन महीने यहाँ बॉम्बे रहे बड़ी टफ़ लाइफ है यार लोग कैसे रहते हैं बॉम्बे में बड़ा बड़ा मुश्किल है कैसा लगता है आपको ये शहर अच्छा ही है पर बड़ा टफ है जो लोग रहते हैं सलूट ही है उनको बड़ा टफ शहर है फर्क क्या है बॉम्बे में एज कंपेयर टू अदर सिटीज़ हाँ थोड़ा बाहर निकल जाओ आप तो मुझे मेरे को ऐसा लगता है लोग इतना क्यों ही फंसे हुए हैं यहाँ कहीं भी अब न्यूयॉर्क की भी बात कर लो सेम जी, ही है। जी है। जी मतलब गेम तो सारी सेम ही है ये चाहे न्यूयॉर्क कर लो चाहे लंदन बात कर लो आप चाहे वो मुंबई हो गया बड़ी टफ सिटीज़ हैं लोग कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं वाह कमाल है जो लोग करते हैं सलूट ही है सच्ची जो यहाँ रहते हैं मैं तो ज़्यादा देर रह नहीं सकता बी के शिवानी आई थी शो पर वो स्पिरिचुअल लीडर अच्छा जी जब वो आई थी मुझे गिल्ट फील हुई बुरा लग रहा था खुद के बारे में कुछ को, कोई चीज को लेकर चीज ये थी कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे में कुछ था नहीं मांगने के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक मांग रहा नहीं था और उस पॉइंट तक हमेशा मैंने कुछ ना कुछ मांगा था तो क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या मांगू बहुत अच्छी स्टेज है यार वो मुझे तब पता नहीं था तो मुझे लग रहा था कि बुरा है ये ये तो बहुत अच्छी स्टेज है आई फील कि आप ना बहुत पहले से वहां तक पहुंच गए थे और बहुत लोग पहुंचना चाह रहे हैं कि एक तरह से पूरे तरीके से सबमिट कर हो खुद को मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट हुआ कि मैंने योगा स्टार्ट नहीं किया बचपन से ये मुझे ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद रिग्रेट हुआ ये मुझे मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे हमें बताया ही नहीं किसी ने hmm. मतलब इतना बड़ा जैसे आप चमत्कार कह लो ना योगा चमत्कार है और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बहुत बड़ी पावर है योगा मेरे को ये लगा कि यार मेरे पेरेंट्स का कसूर नहीं था क्योंकि उनकी लाइफ में नहीं था और हमारे आसपास हमारे गांव में वो कल्चर नहीं था ये कल्चर ही नहीं था और जब हम योगा देखते थे तो लगता था कि यार अच्छा अच्छा ये रामदेव जी योगा कर रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं ये मतलब स्ट्रेचिंग हो रही है लोग स्ट्रेचिंग कर रहे हैं इतने सारे लोग सामने बैठ के योगा स्ट्रेचिंग नहीं है योगा तो एक्चुअल जीवन जीने की कला है जिस जैसे आप इस प्रोफेशन में हो आप इस प्रोफेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो पॉडकास्ट के बारे में मैं ये पूछूंगा तो ये व्यू आएगा ये तो तो योगा है जिस लाइफ में आप हो इस लाइफ में योगा है योगा से शुरू होती है वो और हमें समझो आपको पॉडकास्ट शुरू कर दिया हो और माइक भी ना दिया हो तार भी ना लगाई हो <laughs> और आप पॉडकास्ट कर रहे हो मतलब आप बोले जा रहे हो और आपको कोई नहीं सुन रहा ऐसा है योगा के बिना जीवन और मुझे यही रिग्रेट रहा कि यार आप मेरे आसपास और ये सब ये कल्चर ही नहीं था कि योगा के बारे में बताया जाता कहाँ से सुना आया सामने से संसार में नहीं आया okay. योगा आया आप कोई प्रैक्टिस करता हूं? भाई मेरे को कुछ नहीं पता मैं क्या करता हूँ <laughs> योगा आया मेडिटेशन करने बैठता हूं? म, मैं करने बैठता ही नहीं अगर मेरे को कोई बोलता कि तुम योगा क्या करो मैं कभी नहीं करता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था उसके बारे में शायद अब भी नहीं पता लेकिन मैं नहीं करता योगा योगा आया और योगा हो रहा है मैं इतना ही बता सकता हूँ ओके अब मैसेज यही देना चाहता हूँ की योगा करनी चाहिए ब्रो मैं हंड्रेड परसेंट मतलब जैसे मैं रिग्लेक्ट करता हूँ मैं मैं जो न्यू जनरेशन है उनको ये मै मैसेज ना कह लो मेरा अंग्रेजी में कहते हैं संदेश संदेश भी सड़ा मैसेज ही हूँ ना <laughs> 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 रिक्वेस्ट कह लो ये बेटर रहेगा hmm. कि योगा से बड़ा कुछ नहीं है अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को योगा सिखाएं योगा करें योगा ही जिंदगी है, है वही लाइफ है वहीं से होकर शुरू होगा सारा कुछ एज एन आर्टिस्ट आप बदलो योगा की वजह से हंड्रेड परसेंट मैं सारा ही बदल गया भाई एज एन आर्टिस्ट छोड़ दो मैं सारा ही बदल गया मेन्यू ही और है <laughs> योगा के बाद 2020 से पहले आपने स्टार्ट किया नहीं भाई मेरे को योगा के बारे में जीरो नॉलेज थी अभी भी जीरो कह लो मतलब मेरे को था कि स्ट्रेचिंग जैसे आप बोल रहे थे ऐसे ये। <laughs> <laughs> स्ट्रेचिंग नहीं है योगा जी योगा जिसको आप वर्ड्स की कमी है आप स्पिरिचुअल जिस ये वर्ड भी चलो यूज कर लो आप चाहे उसको जितने भी भारी भारी शब्द है आप यूज़ करना चाहते हैं उन सबसे ऊपर है योगा किसी टाइम मुझे लगता है ये ये रहा होगा प्रॉपर ये एक मेथड लेकिन आज जो ख़त्म हो हो गया हमें तो नहीं मिला यार लाइफ में ना स्कूल में था ना हमारे टीचर्स ने हमें कभी बताया ना कभी फैमिली को कसूर नहीं उन्होंने कभी नहीं बताया कल्चर ही नहीं था योगा का हमें किसी ने बताया ही नहीं और मेरे को रिग्रेक्ट हुआ कि अब 2020 में यार ये मुझे पहले से मतलब आज अगर मुझे सुपर कार दौड़ानी है तो साइकिल सीख लेना चाहिए था भाई hmm. बेसिक्स शुरू कर लेना चाहिए था योगा है रॉकेट वो ऐसे ले जाएगा आपको लेकिन आप तैयार होने चाहिए सबसे इंटेंस एक्सपीरियंस कौन सा रहा स्टेज पर कुछ याद है कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस है हाँ मतलब म्यूज़िक तो नशा है आप अपने आप को थोड़ा सा छोड़ दो फिर आप फील करो पर पर कई बार लोग रेडी नहीं होते उस चीज़ के लिए वैसा आपको देखने के लिए तो कंट्रोल कंट्रोल करना पड़ता है मतलब वहाँ तो इतना फ्लो होता है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को कि आप कंट्रोल में रहो म्यूज़िक में बहुत फ्लो है क्यों अगर कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा आप जिनको दिखा रहे हो वो शायद रेडी नहीं है ऑडियंस का कॉन्शियसनेस फील होता है आपको ऑडियंस हंड्रेड परसेंट तब म्यूज़िक ही होता है वो वो भी उसी वाइब्रेशन में होते हैं तो वो सारी म्यूज़िक की वाइब्रेशन ही होती है जब आप कॉन्सर्ट में होते हो जब आप स्टेडियम या अना में परफॉर्म कर रहे हो तो वो म्यूज़िक ही ड्राइव कर रहा होता है उनको भी और आर्टिस्ट को भी वो वो नहीं होते और आर्टिस्ट आर्टिस्ट नहीं होता अब वैसे मिलकर देखो कहीं को, किसी को वो एनर्जी कभी फील नहीं होगी जब जो म्यूज़िक के साथ होती है जो म्यूज़िक की एनर्जी होती है

तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप इतने बड़े ऑडियंस के सामने हो क्या चल रहा होता है क्यों आप एक तरह से देखा जाए तो आप कंट्रोल कर रहे हो पूरे ऑडियंस के एनर्जी को क्या चाहते हो ऑडियंस के लिए क्या चाहते हो यह ज़रूर है कि जो आपका एक टिकट खरीद के आ रहा है बंदा वो अपनी जो उसकी रूटीन की जो काम चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के वो वो एक टिकट खरीदता है और वो चाहता है कि आर्टिस्ट मुझे देखे और स्माइल करे मैं उसको देखूँ और उसके म्यूज़िक को इन्जॉय करूँ तो वो जो उसकी स्माइल है वो जो उसकी खुशी है वो जब वो अरीना से बाहर जाए तो उसके वो साथ जाए और उसको लगे कि यार मैंने जो पैसे खर्च किए हैं इस बंदे पे वो वर्थ है यार मैं बहुत इंजॉय किया ये, ये मोमेंट बहुत अच्छा मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था आपका खुद का को कोई फेवरेट गाना है जिसे परफॉर्म करते वक्त कुछ हो जाता है आपको म्यूज़िक की पहली धुन बजती है ना तो मुझे कुछ हो जाता है शायद आर नानक पार नानक एक ट्रैक है अगर आपने नहीं सुना हो तो किसी ने अगर सुना हो तो वो मेरा मुझे लगता है कि बन गया किस वजह से शायद वो बनना था मेरे थ्रू बस इसीलिए बन गया उसमें मेरा कोई रोल नहीं है मेरा कोई हाथ नहीं है चीज़ें कई बार बन जाती हैं आपके थ्रू तो वो ऐसा ही था आप कभी स्टार स्ट्रक हुए किसी को मिलकर यानी कि कुछ हो गया आपको पहला डे जब शूट था हिंदी फिल्म का तो वो करीना कपूर जी के साथ था वो मेरे लिए ऐसा था कि यार इन्होंने तो फिल्मा देखिया जिन्होंने नाल काम कर लगे वो था एक वो एक अच्छा मोमेंट था क्या सीखा उस एक्सपीरियंस से उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली उनके साथ जो स्टाफ था उन्होंने मेरे को आके बोला कि यार मेरा स्टाफ आपका बड़ा फ़ैन है फ़ोटो कराना चाहता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी मतलब मैं तो हम हमने कभी सोचा नहीं था कि मिलेंगे भी कभी उनसे लाइफ में है ना तो मतलब वो शायद इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे को अभी हमारा सीन शुरू नहीं हुआ था तो जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा कूल cool डाउन भी करते हैं आज जब आप उनके साथ काम कर रहे होते हो पहली बार अब नर्वस थे नहीं मैं नर्वस नर्वस तो कोई नहीं सी एज रंग बल्ले तेरे करीना कपूर वो <laughs> 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 वाली फीलिंग सी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है तो मैं समझ गया जब उन्होंने ये बोला कि यार लो ये इन्होंने क्यों कहा है ये मेरे को वो थोड़ा वो बंदे को फील कराने के लिए बड़ा अच्छी बात उन्होंने बोली अच्छा लगा कैसा रहता है इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना बढ़िया अच्छा लगता है।, है सारे इंसान है भाजी सब किसी ना किसी चक्कर में फंसे हुए हैं हर एक के अपने अपने डीम्स हैं दो मिनट किसी का फेस देखता हूँ अपना मुझे अपना फेस दिखने लगता है यानी मतलब मतलब अगर मैं आपको दो मिनट देखता रहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं देख रहा हूँ अपने आप को और फिर मुझे अपनी कमियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं मैं अगर इस भाई को देख रहा हूँ ना मैं दो तो दो दो तीन मिनट देखता हूँ मेरे को अपना चेहरा दिखना शुरू हो जाता है इसमें से और मेरे को लगता है कि ये मैं ही हूं ये जो मैं सामने जो आइटम कर रहा हूं मेरे साथ ये मैं ही अपने आप को शूट कर रहा हूं बहुत डीप धार्मिक चीज होती है कि एक पॉइंट के बाद एक इंसान हर चीज में खुद को देखने लगता है बाउंड्रीज पिघल जाती है क्या आप ये कह रहे हो इसको आप डीप धार्मिक कहोगे तो बड़ी बात हो जाएगी नॉर्मल कहूंगा तो मैं किसी को देख मैं किसी की फोटो भी देखता हूं तो मेरे को लगता है कि यार ये तो मैं हूं ये मैं हूं किसी की भी ਇਸ पे मीम भी बन सकते हैं अच्छे वेरी गुड कंटेंट है वैसे है। <laughs> <laughs> बनाओ मीम <laughs> अच्छा कंटेंट भी आई है ये, पर ये हस है बात सच मीम्स कंज्यूम करते हो आप बढ़िया हंसे हो उससे ले ठीक है बंदा तेरी हंसदा खेड़दा बढ़िया गल्ला हम्म कायली जेनर को देख के क्या लगा था सोनी लगी देखने में नहीं लगी पंजाब बना जदा <laughs> पंजाबी हुंदी जदा लगी मेनू पता नहीं कहां से मेनू लगी जदा कि यार पंजाबी है जदा अपना जया फील होया गया ना पंजाबी कुड़ी लगदी ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ? ਉਨकी खासियत क्या है? उनको पता ही उनको तो तो नहीं <laughs> <ला>। <laughs> <तार>। <laughs> है। ब्रो एक ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨੈਟਵਰਥ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚਾਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਉਸਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈਟ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਉਹ। उसने अपना एक प्रोडक्ट भी बनाया उसकी भी अच्छी नेटवर्थ है तो आप तो किसी दे नहीं सारा चंगे नहीं, चंगे है पर मैं तो फेस वह लगा देखने पंजाबी टैप मैं तो बदी लगी पकड़ ले तो वाइब नहीं मैं पता तो लग जाता बंदा कि तुरंत हाँ हाँ देख के ही हाँ हाँ ये स्किल आपने इम्प्रूव की है या पहले से थी नहीं अभी आया ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद उसके पहले आप सीख रहे थे दुनिया के बारे में मैं तो सोया सोया हुआ था ये कह लो मेरी लाइफ वेस्ट ही हो गई पैंतीस साल वेस्ट ही हो गए जो आपने योगा के बारे में कहा ना ये भी एक लाइफ स्किल होती है दूसरों को थोड़ा बहुत जांच लेना आई फील आफ्टर सेल्फ प्रोटेक्शन वाली स्किल होती है ये भी कैसा चलो प्रोटेक्शन कह लो प्रोटेक्शन नहीं है नहीं यार सारे एक ही सेम ही है तेरे च भी रब मेरे भी है मेरे चाहिए तेरे च भी वही बोल रहे मेरे वही बोल रहे भी तो प्रोटेक्शन लेनी है Interviews देने में मजा आता देखो हर एक बंदा अपनी लाइफ में एक एक फेज में चल रहा है एक में चल रहा है और वो तब तक वो बात शायद डिसएग्री करेगा जब तक वो शायद उस चीज़ तक नहीं पहुंचेगा जैसे मैं सोचता हूं या जैसे आप सोचते हैं आप कुछ बोल रहे हैं जरूरी नहीं है किसी बंदे का उस चीज़ से आ, कनेक करना। कनेक्ट करना राइट तो फिर कई लोग हर्ट हो जाते हैं करियर लर्निंग्स आप शेयर कर रहे हो मतलब पहले आपके साथ ये हुआ है कि आपने कुछ कह दिया और किसी ने गलत ले लिया ये तो ठीक है शुक्र है अभी ये ये है मतलब सीधी बात जा रही है जब अखबार में छपती थी बात तब तो मैं कुछ और ही छपती थी मतलब कहता बंदा कुछ और है कॉन्टेक्ट उसका कुछ और होता है बात कुछ और छप जाती मुझे चमकीला के बारे में कुछ पूछना है थोड़ा हटके सवाल है फिर से मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ पूछूंगा ये मैंने ना विकी कौशल भाई से भी ये पूछा है सैम बहादुर फिल्म के बारे में उनसे पूछा कि वो सैम मानिक शो की बायोपिक थी तो क्या सेट पर एक्चुअली साम मानेश्वर सर की एनर्जी फील होती थी तो उन्होंने कहा हाँ आपको पता मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ क्या चमकीला सौर की एनर्जी फील होती थी आप लिटरली उनका कैरेक्टर निभा रहे हो और ये एक बहुत उनकी लाइफ स्टोरी बहुत पेक्यूलियर है जिन लोगों को उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता कहना चाहिए कि एंड में क्या हुआ था उनकी लाइफ में हाँ, हाँ सबको पता है ऑन ऑन स्टेज स्टेज से पहले स्टेज से पहले ही हाँ हम स्टेज से पहले उनको मार दिया गया मतलब शुरू होनी थी अभी तो स्टेज जनरली और उनकी लाइफ ये भी आ, स्टेटस तक भीलाई कॉनरेड परसेंट अब पूछना चाहूंगा कुछ शेयर करना चाहोगे इसके बाद पता नहीं लोगों के लिए कितना वो सही होगा नहीं होगा पर हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट एनर्जी फील होती थी वो मैं अभी फील किया हूँ जो ऐसे रोल मैंने किए हैं पहले मुझे लगता था कि यार एक्टिंग इज ओके यार मैं कर दूंगा झट से कोई टेंशन नहीं है जैसे मैंने एक फिल्म की है जसवंत सिंह खालड़ा जी पे मैं सेट पे गया मैंने मुझे लगा था यार मैं ये कर लेता हूँ ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक्टिंग को मैंने कभी ऐसा नहीं लिया कि मुझे आज एक्टिंग करनी है कभी मेरे हवा ऐसे दिमाग में आया नहीं मैं पहले दिन सेट पे गया और मैंने डायलॉग बोले और मेरे को खुद को फील नहीं आया मेरे को फील ही नहीं आया मेरे को शाम रात तक गिल्ट रहा उस बात का मेरे को लगा कि यार मैं शायद उस रिस्पेक्ट से गया ही नहीं यार जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ सेकेंड डे मैं जब दोबारा तैयार हो रहा था तो मैंने भी आप खुद ही कर लो नहीं मैं तो नहीं कर सकता ये सेकेंड डे से ही पकड़ा गया करेक्टर सेम चमकीला हमने वहीं शूट किया जहाँ चमकीले को मारा गया था सेम उसी जगह पे इम्तियाज़ सर ने शूट किया उस बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ पे वो गिरा था जब उसको गोली लगी थी और जब मैं गिरा तो तुम भी तुम भी है ना तुम भी मेरे हाथ में थी तुम भी की एक तार होती है तब तो मैं गिरा तुम भी की तार मेरी लगी यहाँ पे और गिरते ही ना मैं मेरे मेरा हाथ दिख रहा है और ऐसे ब्लड दिख रहा है धरती पे टपक करके एकदम से मुझे फील हुआ मैं यार यहीं चमकीले का खून गिरा था हंड्रेड परसेंट फील होता है वो थे उस मोमेंट पे तो थे हंड्रेड परसेंट मतलब बहुत वो होता नहीं जो स्लो मूवमेंट कैमरा शूट करता है हाई की कहते होंगे उन्होंने हाई हाँ पॉइंट हाई रेट आज जो भी कहें होंगे कैमरे वाले पता होना हाई स्पीड है। तो वो बहुत जो ज़्यादा ही पे स्लो शूट करता है वो कैमरा था वो वो जब गोली लगी मैं ऐसे गिर रहा था तो जैसे वो ब्लड ऐसे धरती पे गिरा तो मेरे को चमकीला ही याद आया उसके बाद मुझे नहीं याद क्या हुआ पता नहीं कट हो गया उसके बाद तो खैर पर हंड्रेड परसेंट वो मेरे को ऐसा लगा कि यार इसी इसी जगह पे चमकीले का खून गिरा बस यही था पॉडकास्ट बहुत अच्छा पॉडकास्ट <laughs> कुछ आई होप कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ मसाला कुछ ऐसा तो निकला होगा जिसका हमारी फिल्म को भी फायदा एज अ ब्रो एक चीज प्लीज दो चीजें कहूंगा प्लीज uh, पहले थोड़ी सी सेल्फिश चीज कहूंगा कि अगली बार ना एक आ, आपके साथ फिर से एक बार बात हो एटलीस्ट एक बार और बात होगी ठीक ठीक है थीक है अगली बार हमारे स्टूडियो में आपसे बात करनी है क्योंकि वहां की एनर्जी बहुत अलग है अच्छा हाँ जी तो आई हाँ फील कि अलग बातें निकल के आएंगी ठीक है पक्का तो एक ये सेल्फिश रिक्वेस्ट होगी हंड्रेड परसेंट भाई और मैं के? और मैं थोड़े करे किचन आएगी हाँ जी हाँ जी। है? है? हाँ जी हाँ हाँ जी तो मैं, खा, मैं खाना भी बना के खिलाऊंगा मैं अच्छा खाना बनाता हूँ क्या चल कर बनाने में मैं सारा कुछ बना लाना फेवरेट चीज फोदू छाट के सारा बना लाना फोदू तो बढ़ाई जाती दुनिया ਕੀਗਾ ਘਰਸਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਇਹ ਇਹ ਵੀ 2020 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਾ ਬੰਬੇ ਫਸ ਗਿਆ ਕੋਲ ਤੇ ਔਰ ਜੋ ਦੀਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਠ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਔਰ ਆਠ ਤਾਂ ਬਸ ਫੇ YouTube ਤੇ ਸਕੇ ਨਮਕ ਸ਼ਮਕ ਵੋਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੈਫ ਹਰਪਾਲ ਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ मैं यूट्यूबर शेफ अच्छा YouTube हाँ के वन ऑफ द फर्स्ट एवर यूट्यूबर अच्छा वेरी उनसे मैंने सीखा है तू खाना बनाना सीखा हां जी हमारा चैनल एज अ कुकिंग चैनल स्टार्ट हुआ था अच्छा हां बहुत पहले मतलब 9 साल पहले मैं प्रो ना गल कर रहे हैं अच्छा नहीं 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 मैं तो अपने अपने लिए बनाना पर मैं लगता है बढ़िया बनाओ क्या क्या बना तो जो मर्जी बना लो फेवरेट चीज क्या है ओ जो मर्जी बना लो पहला पे टमाटर पेना ही पेना ਪੰਜਾਬੀ ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸਤੇ ਪੁੱਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸੇਮ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਾਜੀ ਬਣਾ ਲਓ ਸੇਮ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੌਲ ਓਕੇ ਆਲਵੇਸ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੁੱਡ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੀ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸਬਜੀ ਦਾਲ ਖਾ ਲ ਹੂੰ ਚਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕੋ ਖਿਲਾਏਗੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਠੀਕ ਹੈ ਡਨ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ आई uh, नो कि आपको ये शायद पता होगा फिर भी मैं एक बार दोहराऊंगा पर uh, हर पॉडकास्ट के बाद कुछ रब ऑफ हो जाता है गेस्ट की वजह से क्योंकि इतनी डीप बातें हो रही है अब सर मैंने डिटैचमेंट और भी ज़्यादा सीखी है कि डिटैच कैसे हो जाता है कि कुछ भी बुरा नहीं है कुछ भी अच्छा नहीं है बस ड्रामा चल रहा है आई mm. होप कि ऑडियंस ने भी यही सीखा तो एक्चुअली जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं नहीं कह पा रहा अब वर्ड्स mm. नहीं मिल रहे बट बेसिकली बस थैंक यू कहना चाहूंगा एंड थैंक यू फॉर टाइम धन्यवाद थोड़ा भाई पर धन्यवाद बहुत मज़ा आया मतलब मैंने आपको खुद के सवाल पूछे और खुद के सवाल पूछने का मौका कम मिलता मुझे आई डोंट नो अगर ऑडियंस को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे या ना लगे बट ये बहुत रॉ कन्वर्जेशन थी मेरे लिए अदर देन फ्यू मोमेंट्स पर मोस्टली बस खुद की बातें हो रही थी कुछ चीजें आपको कंटेंट के लिए करनी पड़ती है पर Uh, कुछ चीजें जब दिल के लिए करने का मौका मिल जाता है तो मेरे कर बेस्ट होता है तो तो होता बहुत बहुत भी बड़ा चंगा ही जबरदस्त और बहुत ही कमाल की इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं मिली है जैसे की बात की इंसान की इस तरह की स्टेज होनी चाहिए जिसको अच्छे बुरे से फर्क ना पड़ता हो अच्छा मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि इंसान इस तरह ना सोचे कि मेरे साथ उसने बुरा कर दिया मेरे साथ इसने बुरा कर दिया तो ये बड़े क्लियर और बड़े आ, मतलब कह लो कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत डिफरेंट है बाकियों से बाकियों से डिफरेंट इस तरह है कि हम लोग जिस तरह सोचते हैं कि हम स्टेबल होने चाहिए हमें हम ऐसे होना चाहिए लाइफ के अंदर ये चीज़ होनी ज़रूरी है वो चीज़ होनी ज़रूरी है तो मुझे जहाँ तक समझ आई है कि इनकी माइंड में एक बात है कि लाइफ के अंदर ये चीज़ वो चीज़ होना ज़रूरी नहीं है लाइफ के अंदर इंसानियत होना ज़रूरी है जैसे कि मतलब उन्होंने एंड में बात की कि पुतु बना सब कुछ कर लेता हूँ कहने का मतलब ये है कि कोई चलाकी बाजी नहीं है कोई ऐसी अपने आप को स्मार्ट नहीं समझना है जो कि एक्चुअल में स्मार्ट नहीं होता इस तरह काम नहीं है और अपनी लाइफ को बड़े डिफरेंट अंदाज में और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वो अपने काम को आ, मैं कैसे बयान करूं अपने काम को वो उस तरह समझते नहीं हैं वो ये नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ी एक बुला कर आम है मतलब मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ एक उस तरह का सीन नहीं है वो अपने काम को अपनी जिस तरह उन्हें बताया कि मैं अपनी एक लिमिट्स को जानता हूँ मेरी लिमिट्स कहाँ तक है और मैं ये समझता हूँ मैं खुद इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी बातें हैं या जो इनकी बात करने का स्टाइल है मूवीज़ में भी इसी तरह होता है डिफरेंट नहीं।, नहीं होता है मतलब मजा आता है इनकी बात सुन के और ये ये चीज़ डिज़र्व करते हैं ये मतलब अपनी इतनी ऑडियंस इनके साथ अटैच है इतनी ज़्यादा लोग इनके साथ अटैच है इतने ज़्यादा फैंस है तो ये डिज़र्व करते हैं वो ख़ुद ये कहते हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता लेकिन एक्चुअल में ये डिज़र्व करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शख्सियत को इस तरह पॉलिश किया अपनी शख्सियत पे काम किया और पता नहीं अब ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद इनके साथ क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और लगता तो कोई हैवी सी नहीं है जिस तरह उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं ग्यारह साल की एज में अपने घर से आ गया मामू के पास जिस तरह हर एक वालदेन का होता है कि हमारा बच्चा मतलब कामयाब हो इसी तरह इनके भी वालदेन का था तो इन्होंने एक म्यूज़िक को लेके इनका ज़्यादा काम म्यूज़िक के अंदर है और म्यूज़िक के अंदर भी बड़ा मतलब काबिल तारीफ है उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह का काम करते सबको पता ही है लेकिन जो ये काम करते हैं मैं ये समझता हूँ कि पंजाबी मूवीज़ हैं या पंजाबी जितने भी एक्टर हैं उनमें से सब से अगर कोई अच्छा काम करता तो है तो उनमें से ये है सिर्फ ये नहीं है इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं ये हर लिहाज से अपने माइंड को लेकर अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत चीज़ें बाकियों से डिफरेंट हैं और होना भी इंसान को इसी तरह चाहिए एक क्या से बोलते हैं यूनिक इंसान नजर आते हैं और यूनिक सोचते हैं बाकी सो बड़ा डिफरेंट सोचते हैं हम अपनी लाइफ को इस तरह देखते हैं या हम लोग बड़ा मुख्तलिफ देखते हैं उसको कि हमारी लाइफ इस तरह हो ये इस तरह नहीं देखते जो जो मुझे समझ लगी है कि ये अपनी लाइफ को किसी और दुनिया के अंदर देखते हैं और ये ऐसी दुनिया है कि जिसके अंदर हर बंदा नहीं पहुंच सकता और बहुत ही डीप लाइन जो उनकी बात करने के एक्सेंट से पता चल रहा था कि यहाँ पे पहुँच गया ना वहाँ से वापसी होना बहुत मुश्किल है उस जगह से क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है जो मैंने अभी तक आ, मतलब नोटिस की है कि वो एक ऐसी स्टेज है कि जिसके अंदर बंदे को लाइट चली जाती है कितना जबरदस्त लग गया था पार्टी में कंफर्टेबली बैठा हुआ तो कंफर्टेबल हो पहले जगह ही बड़ी फास के कैमरा लगा हुआ पहले क्या आ, हाँ तो वो अपनी लाइफ को बड़ा आ, डिफरेंट लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ के साथ बड़े मतलब उनको ये लगता है कि एक जो उन्होंने मेन बात की है कि योगा जो करना है वो मुझे लगता है कि मैंने लेट स्टार्ट किया है जिस तरह भी और जो उनका ये एज वाला फैक्टर था कि वो एटी फोर में पैदा हुए और एटी फोर से पहले नहीं मरेंगे मतलब एक उस चीज़ को कैसे कह लो कि एक बंदे को होता है ना बिलीव कि मैं कम से कम इतना तो जीऊँगा और वो यकीन या वो बिलीव या उसके पीछे क्या कहानी है ये तो आप वही बेहतर लेकिन बहुत डीप कहानी है अब हर बंदे का भी तो नहीं पता कि वो कितने कि अभी हम हम लोग हैं तो हमें अपना नहीं पता है कि हमने आज हैं या नहीं है या कल होंगे या नहीं ये तो एक कह लो कि इंसानी दिमाग है ना वो जिस साइड जो आप मर्जी उसको ले जाओ लेकिन ये तो कहने की हद तक बात ही लेकिन जो उनकी काम की अगर हम बात करें उनकी काम के रिलेटेड बात करें तो बड़ी डिफरेंट है बहुत मतलब यार मुझे जो मैं बात उनके बारे में करना चाह रहा हूँ ना मुझे वो एक्सप्लेन करनी आ रही कि उस बात को मैं किस तरह अपने मतलब वर्डों के अंदर लेके आऊँ उस चीज़ को मैं कैसे बयान करूँ कि यार वो इस तरह सोच रहे हैं हाँ बिल्कुल उनका जो वीडियो था इसमें जो है वो बड़ा डीप वीडियो था और हम मतलब मैं, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये वीडियो इस तरह का होगा जो एक फिल्म एक्टर का एक पॉडकास्ट वीडियो होता है कि अच्छा कैसा एक्सपीरियंस था अच्छी फिल्म कौन सी थी कैसी रही बचपन की लाइफ या कैसे इंडस्ट्री में आए किस तरह बुरे टाइम देखे इस तरह की चीज़ें होंगी लेकिन ये एक ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल ग्रुप बात कर रहा है कि जिसमें जो हमें सो कॉल बाउंड्रीज़ हमारी साइकोलॉजी की वजह से हमें नज़र आती हैं या हमें सोसाइटी मजबूर कर देती है कि हम वो ऑलरेडी बाउंड्रीज लगा लें लगा लेते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो वो सारी बाउंड्रीज़ हमारी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हम वो हटाएँ क्योंकि ये सारी बाउंड्रीज़ सोसाइटी की लगाई हुई हैं कि ये ऐसे है ये ये है ये ये है वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि उन्होंने वो हटा दी हैं तो ये एक एक्टर के इंटरव्यू से ज़्यादा ये एक किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का इंटरव्यू था जो कि काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी रियलिस्टिक थी क्योंकि जो वो बात जिस तरह बोल रहे हैं कि आ, जो यहाँ पे है वो ही दूसरे में है वो यही तीसरे में है और मैं जब किसी को देखता हूँ उसमें मुझे अपनी शक्ल नजर आती है ये बातें सारी वही बातें जो कि एक रियलिटी को बताती हैं क्योंकि जो पीछे बेस लाइन है वो जब हम डीप थोड़ा सा भी देखते हैं तो वो सारी चीज़ें जो पीछे एक जनरेटर है वो सब सारा सारा जो पीछे जनरेटर पावर हाउस है वो एक ही है लेकिन जो उसका सुपरफिशियल लेवल पे यानी जो उसका रिप्रेजेंटेशन है वो ज़रा डिफरेंट है सिर्फ हमारी इन आँखों का धोखा कह लें या समझने का धोखा कह लें इन बातों की वजह से लेकिन जो पीछे जो उसकी एक सोर्स है वो सारा सोर्स एक ही है तो काफ़ी ज़्यादा डीप था तो अगर इस तरह के आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं काफ़ी मज़ा आए और हर बात जो वो देख रहे थे जो वो बता रहे थे तो उसमें मतलब कोई जवाब नहीं था बड़े शॉर्ट शॉर्ट जवाब थे और लंबे जवाब नहीं थे तो इसका मतलब कि काफ़ी कंटेंट वो होंगे तभी इस तरह के जवाब आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें उनको काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं जो कि इस एज तक मेरे ख्याल में सीख लेनी चाहिए क्योंकि तो मेरे पर्सनली पर्सनली मेरी ये राय है कि बहुत सारी चीज़ें सीखनी नहीं होती जो एक जो एक जे जेनविन चीज़ होती है ना उसको बंदा सीख ले तो वही काफ़ी होती है उससे भी सारी चीज़ें काम चलाउ हो जाती हैं अब बंदा जो सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ें अगर सीख ले जो कि बैरूनी तौर पे नज़र आती हैं तो उनको बंदा सीख ले तो उसकी कोई अहमियत नहीं वो टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है लेकिन जो उसके पीछे एक एक्चुअल जो रीज़न होती है जिससे वो चीज़ हो रही होती है बंदा वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ से आगे फिर वही चीज़ अपने आप को दोबारा से शोकेस कर रही होती है तो ये ये यही वो बात है जो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि काफ़ी डीप शख्सियत और देख के मज़ा आया अगर इस तरह के आप और वीडियोस देखना चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं टी को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं बिल्कुल इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप कर सकते हैं तो मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा